Johann Paulus द्वितीय। कार्ल जोसेफ वायथला का जन्म पोलैंड में 18 मई 1920 में हुआ। कार्ल 1938 में क्राको यूनिवर्सिटी में भर्ती होकर वहां उन्होंने दर्शन शास्त्र के साथ साथ अन्य भाषाओं की भी पढ़ाई की। 1941 में जब उनके पिता का देहांत हुआ तब उन्होंने पुरोहित बनने के बारे में गंभीरता से सोचा और 1942 में सेमिनरी में दाखिल। 1948 में उन्होंने दर्शन शास्त्र से और 1956 में ईश शास्त्र से डॉक्टरी उपाधि प्राप्त की। 38 साल की उम्र में सन 1958 में कार्ल क्राको के धर्माध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। सन 1962 में वैटिकन के दूसरे महासभा में भाग लेने वाला वायथला अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान उस महासभा में दिया। 1966 में वे महाधर्माध्यक्ष नियुक्त किए गए और 1967 में उन्हें कार्डिनल बनाया गया। 1974 से 1975 तक विश्वासियों के आयोग के उपदेशक बने रहने वाला कार्डिनल वायथला अक्टूबर 1978 में कलीसिया के संत पापा के रूप में चुने गए। 58 साल की उम्र में संत पापा चुने जाने वाला वायथला ने अपने लिए योहान पाउलोस द्वितीय नाम स्वीकार किया। संत पापा योहान पाउलोस द्वितीय ने अपने शासनकाल में 129 देशों का भ्रमण किया और उन भ्रमणों के दौरान उन्होंने ऐसे कई कार्य किए जो कभी किसी संत पापा ने नहीं किया है। उन्होंने इंटरनेशनल वर्ल्ड यूथ डे की शुरुआत की और इंटरनेशनल वर्ल्ड यूथ डे के 9 संस्करणों में उन्होंने भाग लिया। उन्होंने पवित्र त्रित्व, माता मरियम और नैतिक ईश शास्त्र के बारे में विस्तार रूप से लिखा। उन्होंने अपने शासनकाल में करीब 10 विशेष रूप से समर्पित सालों के नेतृत्व की, जैसे मरियन ईयर, ग्रेट जुबली ईयर एक्सेट्रा। मई 13, 1981 एक बंदूकधारी ने संत पापा के तरफ गोली चलाई। काफी गंभीर रूप से वे घायल हुए, मगर अस्पताल से जब छुट्टी हो गई तो वे पहले कारागृह गए। अपने विरोधी जिसने उसे गोली चलाया था उससे मिलकर उन्हें माफ कर दिया। 2 अप्रैल 2005 जब लाखों की संख्या में विश्वासी लोग उनके निवास के बाहर प्रार्थना में व्यस्त थे तब उनका देहांत हुआ। 2014 में उन्हें संत घोषित किए गए। संत पापा योहान पाउलोस द्वितीय वर्ल्ड यूथ डे के संरक्षक संत माने जाते हैं। ये एक ऐसा संत है जिनके तस्वीर हमारे हर किसी के घर में होगी। हम में से कई लोगों ने इनको देखा है। भारत में भी ये आए थे। हम इस महान संत का अनुसरण करते हुए
विश्वासी जीवन में और भी गहरा हुए और उस विश्वास को अटल बनाते हुए एक दूसरे के सामने ख्रिस्त के साक्षी बनने के लिए कोशिश करें।